हेलो फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके वंदना के ब्लॉग्स पे। तो फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस समय कोरोना थोड़ा ज्यादा फैल रहा है, तो आप लोग घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए। फैमिली, आप लोग हमारे वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आप सबको प्यार जब मिलता है ना, दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो चलिए अपने ब्लॉग की आगे शुरुआत करते हैं। तो हमारे ब्लॉग को देखिए और प्यार देते रहिए। तो फैमिली, आज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लाल किला, और अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ मैं। आज मैं आया था लाल किला के पास। ये दिल्ली का लाल किला है और काफी बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक ये देखिए। और मैं बाहर ही हूँ, अकेले आया हूँ, गाड़ी से जा रहा था, मैं सोचा कि वीडियो बना ही लेता हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा। तो ये देखिए दिल्ली का लाल किला है, और मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर नहीं जा रहा हूँ, अब जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक इसके सामने ही चांदनी चौक है, मार्केट इस तरफ है, ये देख सकते हैं, और काफ़ी भीड़ भाड़ होता है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा आगे गाड़ी खड़ा करके वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दिल्ली का लाल किला, यहाँ पर ये हमेशा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर झंडा फहराते हैं 26 जनवरी को। और मैं यहाँ पे बाहर ही खड़ा हूँ, जाली लगा हुआ है, एंट्री गेट जो है थोड़ा उस तरफ है, तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। मैं सब वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं लाल किला। और ये सामने दिख रहा है आपको गुरुद्वारा है, और ये रेड कलर का जो है जैन मंदिर है, और वो गुरुद्वारा व्हाइट में जो है गुरुद्वारा है, और रेड कलर में जो है जैन मंदिर है। ठीक है, चांदनी चौक के पास ही है। और ये देखिए हम लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है, आप लोगों को बता ही दिया था काम धंधा उतना है नहीं, थोड़ा बहुत फिर भी खर्चा निकल जा रहा है। चलिए जुड़े रहिएगा हमसे, दिखाएंगे फिर आप लोगों को आगे। और ये देखिए दिल्ली का चांदनी चौक का ये रास्ता है, सामने इस तरफ जाएंगे तो जामा मस्जिद है। चलिए और कहीं दिखाएंगे आप लोगों को। A few moments later. और मैं आया तो देखा तुरंत वंदना जी किचन में घुस गई है। हाँ। मेरे लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि वेट कर रहे थे, पता गर्मा गर्म खिलाती हैं मुझे। क्या है जी ये, चना का दाल है क्या? चना का दाल बनाए थे सुबह, और सब्जी वगैरह। जब मैं चने की दाल बनाती हूँ ना, सब्जी नहीं बनाती हूँ, सलाद काट देंगे, मिर्चा का अचार दे देंगे, आम का अचार दे देंगे, रोटी रहेगा, दाइस रहेगा, दाल रहेगा। यार दाल के साथ मुझे ना कुछ, दाल के साथ जो कुछ खाना चटपटा चीज चाहिए, ला कर रखा कर, सुबह निकल जाओगे रात का आओगे और क्या चटपटा चीज क्या खा। बोले पैसे नॉनवेज खाने के, बिना बुलाया है तो चलना चाहिए खाने के लिए, बिना बुलाया यार, अब यहाँ से चले फिर वहाँ पे लोग कहाँ खाने के लिए, दावत के लिए कहाँ से कहाँ। इस सब चीज के लिए पहले से इनवाइट किया जाता है, अब इनवाइट किया हम चले तुरंत वहाँ पे बिना के पास। तो हमको फोन किया था, फिर हम चलो इनको फोन कर पूछेंगे जब आप हमसे टाइम से। लेकिन थैंक यू बिना कोमल को, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, लेकिन हम बोले कि नहीं आपको पनीर और दाल खाने के लिए कोई नहीं बुलाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बुलाया उनका बड़प्पन है, प्यार है हम सबके लिए, इसलिए बुलाया उन्होंने। रोटी बना रही बच्चों के लिए जा रहे हैं, बोले प्याज का पराठा खाएंगे तो बच्चों के लिए बनाएंगे। और ये अब कह रहे हैं कि मुझे आमलेट खाने का मन कर रहा है, अंडा ला दो। बताओ 8 बजे दुकानें बंद हो गई तो अंडा कहाँ मिलेगा, इनका भी पता नहीं क्या क्या खाने का मन कर देता है। इधर रिक्शा आ गया, छोटू सा छोटू सा छोटू सा, खीरा है फिर इसके अंदर। हाँ जी, और वंदना जी यहाँ तैयारी कर रही है मेरे खाना खाने के लिए। और सब खा चुके बच्चे? खा लिए हैं बच्चे? नहीं खाए हैं। क्यों, बच्चों को खिला देना चाहिए था ना, बच्चे ना आपके जैसे बच्चे भी हैं, लोग कह रहे हैं कि मुझे वो खाना है। क्या खाना है? ये लोग भी ना दाल बनाए थे दोपहर में, नहीं खाया था, मार मार के कैसे खिलाए थे 2-3 चम्मच, सुनाची भी खाई थी। इन लोगों को भी चटर पटर चीज चाहिए खाने के लिए, वो बच्चे आप पे ही गए हैं, आपका भी चटर पटर खाने का मन करता है, उनका भी खाने का मन करता है। और आपका है? आपका नहीं करता है क्या? मेरा क्या चटर पटर? चने की दाल, चने की दाल के साथ कोई सब्जी नहीं अच्छी लगती, ज्यादा ज्यादा आपको कोहड़ा की सब्जी अच्छी लगेगी या बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन। तो चने की दाल खुद ही मसालेदार सब्जी होती है, तो उसमें क्या सब्जी बनाया जाए? शादियों ब्याह में जाते हैं, शादियों में चने की दाल बनती है। तो ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दूं क्या? नहीं
कर दो, आ जाएगा। ये देखो देखो मुंह देखो शकल देखो, आ जाएगा तो सही है बता दो। ये देखो बच्चे भी पेट भर आ जाएगा। क्या खाओगी? कुछ भी कर दो। हम स्विगी ऐप डाउनलोड किए थे, डिलीट कर दिए, फिर डाउनलोड करना कर लो। देखो फिर देखते हैं, रुक जाते हैं, आ जाएगा 10-15। देखा फैमिली का फेस देखिए पहले, नहीं जानते रोज घर का खाना खाते। ये देखिए तुरंत रंग रूप बदल गया गिरगिट की तरह। खीरा। और मैं कोई वर्ड बोलता हूँ ना, ये लोग हमें गलत साबित करते हैं, कहते ये चीज नहीं ऐसे होता है वैसे होता है, हम गलत होते हैं। अब उस दिन मैं डाटा बोला था, कहीं डाटा नहीं डेटा होता है। और फ्राइड को फ्राई बोल, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। ये लोग हमेशा हमें टोकते रहते हैं। सोनाक्षी तो सोनाक्षी, उनकी मम्मी भी कहती है आप किचन को चिकन कहते हैं। हो जाता जल्दबाजी में निकल जाता है। नहीं, अब नहीं बनाते हैं है? करोगे ऑर्डर? क्या करेंगे ऑर्डर? स्विगी से कुछ क्या खाओगे बताओ? ये खा रहे थे कुछ स्विगी से स्नैक चीज ऑर्डर करिए। स्नैक चीज खाएंगे? नहीं, बरसात और साथ है, मौसम ठंडा है तो कुछ वैसा चीज खाएंगे। अच्छा। क्या खाओगी सोनाक्षी? दाल रोटी सब्जी बिल्कुल। पिज्जा। इनका तो पिज्जा ही, ऋषभ से पूछते हैं क्योंकि वीडियो बनता रहेगा, खाना का टाइम है इस समय। चलिए बने रहिए ब्लॉग के अंदर। और यहाँ ऋषभ लेटा हुआ है, देखते हैं क्या कर रहा है। क्या खाओगे बेटा, कुछ खाओगे? और कुछ खाओगे? पराठा और अचार। मेरा बच्चा पराठा और अचार खाएगा। तो फैमिली ऋषभ कह रहा है पापा मैं पराठा और अचार खाऊंगा, सोनाक्षी भी पराठा बना रही है उनकी मम्मी। तो चलिए हम भी, हमारे लिए भी निकल रहा है खाना, खा चुका हूं। और ये देखिए ऋषभ और सोनाक्षी का बना रहा है, बन रहा है प्याज का पराठा। थोड़ी मेरी लैंग्वेज जो है ना लड़खड़ा जाती है जल्दी में, ऐसे मेरी भी। और इसीलिए सोनाक्षी और वंदना मुझे बोल टोकते रहते हैं। इंसान कोई चीज गलत करता है ना, जब आप उसको टोकेंगे ना तभी कोई चीज वहाँ सुधरता है, नहीं तो नहीं। और मैं कोई वर्ड सही भी बोलता हूँ तो ये लोग मुझे गलत साबित कर देते हैं। यार कितनी बार बोलो। और हमारी फैमिली कमेंट भी करती है भैया आप सही बोलते हो लेकिन वंदना जी आपको गलत साबित कर देती है। हो जाता है, मुझे सुनने में कंफ्यूज होता होगा। क्या करे फैमिली, बीवी के आगे हार मानना ही पड़ता है। जाओ मैं आती हूँ, जाओ चलो खाओ। हमें भी दे देती यार प्याज का पराठा, हम भी खा लेते। आपके लिए रोटी बनाए, हमें क्या पता आप प्याज का पराठा खाएंगे। हम भी बच्चे बन जाते हैं। क्या सोनाक्षी ये क्या है यार? हटा। ये भी ना खुराफात करती लड़ती है। सारा किचन साफ करेंगे, बर्तन है, बर्तन धुलना है, फिर सारा दादियों को थोड़ा। मैं सोच रही हूँ सुबह के लिए ना थोड़ा सा चना भिगो देती हूँ, चना और आलू की नूर मरीज की घुघरी बना रही, अच्छा लगता है जी। टमाटर वमाटर डाल के काट के प्याज मस्त लगता है। कल हम भी थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं और शाम को जल्दी आते हैं क्योंकि मैंने अपने लिए अभी कुछ कपड़े नहीं लिए हैं। क्या पहने? शाम को कहते हैं 7 बजे से मार्केट है, कितना बजे आएंगे शाम को जल्दी? कितने बजे? 7 बजे तक आ जाएंगे। अरे वाह। 8 बजे एक तो बंद हो जाता है ना दुकान, कुछ ले नहीं पाते। मैंने अभी अपने लिए कपड़ा नहीं लिया, क्या पहनेंगे हम अपने कपड़े पहनकर अपनी एनिवर्सरी पे? क्या पहनेंगे फैमिली कमेंट करके बताइए, हम पुराना पहन ले कि नया खरीदे? कुर्ता पैजामा, हम भी यही सोच रहे थे, कुर्ता पैजामा और क्या बोलते हैं थोड़ा स्टाइलिश वाला। अरे क्या उसको? वो सिंपल वाला कुर्ता पैजामा नहीं, कुर्ता पैजामा एक सिंपल भी आता है वो वाला नहीं। मैचिंग वंदना जी की मैचिंग वाला नहीं। खुद नहीं पता मैं अपनी नर्सरी क्या पहनूंगी। अच्छा, मैं खुद नहीं पता मैं क्या पहनूंगी, जो खरीदे हो क्या पता किट्टो की नर्सरी पहन सकते हैं, वो अपनी नर्सरी कुछ भी पहन लेंगे। अच्छा जी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की साड़ी भी पहनूंगी। साड़ी पहनूंगी, फैन समय लहंगा लहंगा नहीं अच्छा लगता है, लहंगा क्रॉप टॉप कुछ भी हो गया। तो चलो जो पसंद होगी। बन गया है, अब मैं किचन से साफ करूंगी और फिर देखते हैं रूम के अंदर भी फैला वाला है तो भी सब सफाई करेंगे। और वो सब क्या? कुछ नहीं, कुछ बोलने वाली थी लेकिन रुक गई, वो बाद में बताएंगी ना जी। वो सब तो होता रहता है। हाँ, वो सब होता रहता है, बात पलट दे तुरंत। नहीं बता सकते हैं ना, नहीं बता सकते हैं, बाद में बता देंगे, खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, वो सब का मतलब आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा क्या होता है।
खुद ही पता चल जाएगा सुबह तक दोपहर तक। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए फैमिली, हमारी वीडियो यहीं तक की थी, और हमारी वीडियो पसंद आए तो पसंद। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, अपने रिश्तों दोस्तों यारों को ढेर सारा सहयोग, बिल्कुल ढेर सारा प्यार करिए कि हमारे पति देव उड़ते 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 ऊपर आ जाए। तो चलिए फैमिली, हम सब करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जस्ट अभी लाइव वीडियो मतलब कि जितने बजे, मतलब 11 बजे तक आएगी, तो मतलब ये वीडियो अभी शूट हुआ है, रात का 12 तारीख को रात का ही शूट है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, मैं तुरंत शूट कर रहा हूँ, तुरंत डाल रहा हूँ इसको। अब कल का ब्लॉग देखते हैं क्या आता है, कल का भी शूट करेंगे, अभी का जस्ट का। हाँ तो चलिए फैमिली, करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, बाय बाय।